फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप अपनी नॉर्मल साइकिल में डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेरी साइकिल में पावर ब्रेक हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे काम नहीं कर रही और सही तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने काफ़ी बार इसे फिट करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रही है। तो इस वीडियो में आपको इसकी कम्प्लीट फिटिंग बताऊँ किस तरीके से आप किसी भी टाइप की साइकिल में डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं। जो नॉर्मल साइकिल भी आती हैं उनके अंदर भी आप डिस्क ब्रेक फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर कुछ इस तरीके से डिस्क ब्रेक फिट की है। तो चलिए किस तरीके से इसे फिट करना होता है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको डिस्क ब्रेक का पूरा सामान ले लेना है, ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा साइकिल रिपेयरिंग शॉप पे। तो अगर आपके आसपास ये सामान नहीं मिल रहा है तो मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इस सामान को घर पर मंगा सकते हैं। तो इसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इस पूरी किट के साथ आपको एक हब भी मिलेगा जिसमें दोनों साइड में चूड़ी होती हैं, जिसमें एक साइड में इसका गियर कसता है और दूसरी साइड में जो डिस्क ब्रेक की प्लेट होती है वो यहाँ पे कसी जाती है। तो मैंने इसे यहाँ पे जो इसका हब है वो चेंज करा दिया है। आप इसे साइकिल रिपेयरिंग शॉप पे भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे फिट कराने के 50 रुपये दिए हैं, 50 रुपये के अंदर मुझे दोबारा से इसका जो हब है वो चेंज करके दे दिया है। तो अगर आप अपनी साइकिल में दोनों साइड में डिस्क ब्रेक लगाना चाहते हैं तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको दोनों साइड में हब चेंज नहीं कराना है, आपको पीछे वाला जो पहिया होता है उसे आपको आगे वाली साइड में लगा देना है और आगे का जो पहिया है उसके अंदर आपको दोनों साइड की चूड़ी वाला हब चेंज कराना है। क्योंकि पीछे की साइड में हमें दोनों साइड में चूड़ी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आगे की साइड में सिर्फ हमें एक साइड में ही चूड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको दोनों पहियों के अंदर हब चेंज नहीं कराना है, सिर्फ आपको एक पहिए के अंदर चेंज करा लेना है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और यहाँ पे आपको फिटिंग करने में भी आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो पीछे वाला पहिया है उसमें मैंने चेंज करा लिया, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आगे की साइड में नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आगे की ब्रेक यहाँ पे मेरा सही तरीके से काम कर रही थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने रिम है वो अच्छी तरीके से फिट करा लिए और इसकी दोनों साइड में चूड़ी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। एक साइड में इसका गियर कसा हुआ है और इस साइड में हम यहाँ पर जो इसकी प्लेट आती है इसे मैं सेट करूंगा। तो इसे आपको सावधानी सेट करना है क्योंकि इसकी हर एक साइड में काफ़ी तेज़ धार है। तो आपको हाथों से पूरी सावधानी से इसे फिटिंग करना है। आप चाहें तो किसी कपड़े की मदद से भी सेट कर सकते हैं। तो आपको स्क्रू वाली साइड को आपको ऊपर कसना है, देख सकते हैं यहाँ से स्क्रू को खोल सकते हैं आसानी से। तो आपको इसे हाथ से पूरी तरीके से टाइट नहीं करना है, आपको किसी कपड़े की मदद से टाइट करना है, वरना आपके हाथ में चोट लग सकती है क्योंकि ये काफ़ी धारदार यहाँ पे इसकी साइड होती हैं। तो देख सकते हैं अभी मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से टाइट कर देता हूँ, बाद में मैं अच्छे तरीके से इसे फुल टाइट कर दूँगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। अब इसके बाद में हम इसे जो साइकिल है उसके अंदर सेट कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी की फिटिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे वापस से साइकिल में सेट कर लिया है, देख सकते हैं। तो इसी साइड हम यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक की मशीन होती है वो लगाएंगे और यहाँ पे चलिए मैं इसे सीधा कर लेता हूँ और बाकी की जो फिटिंग है वो आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये इसकी मशीन होती है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये काम करती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों साइड आपस में मिल जाती हैं तो जो प्लेट है वो यहाँ पर रुक जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये डिस्क ब्रेक काम करती है। तो इसे एक वायर की मदद से खींचते हैं। तो मैं अभी इसे फिट करने का तरीका आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको इसे कुछ इस तरीके से फिट करना है। जो अभी यहाँ पे मैंने आपको दोनों साइड दिखाई थी उन्हें आपको प्लेट को बीच में रख के फिट करना है और नीचे की साइड में फ्रेंड्स आपको इस मशीन को वेल्ड नहीं करना है, आपको एक पत्ती को यहाँ पर सेट करना है। आपको क्या करना है, पत्ती में पहले यहाँ पर दो छेद कर लेने हैं। आप चाहें तो एंगल ग्राइंडर से या ड्रिल बिट से भी कर सकते हैं और उसके बाद में कुछ इस तरीके से सेट करके आपको मार्किंग कर लेनी है। तो पहले आपको सेट करके देख लेना है, तभी आपको जो पत्ती है उसे बेल्ट करना है। आपको जल्दबाजी में इसे सेट नहीं करना है, वरना यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले आपको पत्ती को इस मशीन के साथ अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। आपको इसमें ड्रिल बिट से छेद नहीं करना है, आपको ग्राइंडर से इसमें कट लगाने हैं ताकि आप इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर सकें। तो अब मैं आपको इसे फिट करने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे डिस्क ब्रेक की दोनों साइड की प्लेट हैं उन्हें आपको बिल्कुल बीच में रखना है। जो प्लेट हमने लगाई है उसे आपको बिल्कुल बीच में रखना है, ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, किसी से भी टच नहीं होनी चाहिए। उसी पोजिशन में फ्रेंड्स आपको इसे वेल्ड कर देना है, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर वेल्ड कर लिया है।
तो इसके बाद में पत्ती यहाँ पे फ्रेम के साथ बेल्ट हो जाएगी, लेकिन मशीन को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं अगर ये मशीन ख़राब हो जाए तो। लेकिन मशीन ज़्यादातर ख़राब नहीं होती, इसमें जो इसके ब्रेक शूल होते हैं वो आपको चेंज करने होते हैं अगर ये ख़राब हो जाए तो। तो चलिए मैं इसका जो वायर है उसे लगा लेता हूँ। तो वायर को आपको पहले जैसे लगा देना है, जिस जगह पर यहाँ पर जो क्लच है इसकी उसमें लगा था उसी को यहाँ पर सेट करके इसका जो नट है उसे अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। और उसके बाद में पूरे वायर को फ्रेम के नीचे की साइड से होके निकाल लेना है, और निकालने के बाद जो डिस्ब्रेक है उसके पीछे की साइड में आपको इसे फंसा देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वायर को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके बाद में जो पीछे की साइड में एक स्क्रू है इसी में से होके इस वायर को निकालना है, और इस बार स्क्रू को यहाँ से थोड़ा सा ढीला कर लेना है। फिर उसके बाद में जो वायर है उसे ऊपर की साइड से इसमें फंसा देना है और स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहीं से आप इसकी ब्रेक को, इसका जो पोजीशन है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कितनी टाइट ब्रेक चाहिए आपको उसी हिसाब से आप ब्रेक को यहाँ पे सही तरीके सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मूव करती है। यहाँ पे जो इसके नट बोल्ट दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि अगर बाई चांस आप इसे थोड़ा सा भी इधर उधर सेट कर देते हैं तो उसके बावजूद भी आप ब्रेक को इसके बोल्ट की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन दिया जाता है ब्रेक को आगे पीछे करने का। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड में ये दो बोल्ट दिए गए हैं, इनसे आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने ब्रेक को अच्छे तरीके से फिट कर दिया है, बिल्कुल इसकी पोजीशन को देखे कि कहाँ पे सही तरीके से काम कर रही है। देख सकते हैं मैं आपको चेक करके भी दिखा रहा हूँ, पहले मैंने आपको दिखाया था ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर नॉर्मल साइकिल में डिस्क ब्रेक अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। इस तरीके से आप जो नॉर्मल साइकिल आती हैं बड़े फ्रेम वाली उनमें भी आप इस टाइप की डिस्क ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।